सो गाइज, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि इतने अच्छी जगह पे हम लोग सिर्फ आज शाम तक ही रहेंगे और कल सुबह सुबह जितना जल्दी हो सकेगा निकलना पड़ेगा। अभी भी ये चेक इन फॉर्मेलिटीज करवा रहे हैं आरुष के साथ, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा इधर आ जाती हूँ, व्यू बहुत अच्छा है। फाइनली हमें यहाँ से कन्याकुमारी का बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है, पीछे रॉक मेमोरियल है। तो अभी चलना है क्या? आई गेस टाइम नहीं हो पाएगा, इतनी स्पीड में हम लोग देख नहीं पाएंगे। अभी सनसेट देखते हैं, सुबह सुबह रॉक मेमोरियल देखेंगे और फिर हम लोग ओके। और अभी पूरा खाली भी है, अभी हम लोग टेम्पल, अभी हम लोग सनसेट देखते हैं पहले, फिर टेम्पल देखेंगे एंड उसके बाद सुबह हम फिर उसके बाद कुछ खाएंगे, क्योंकि हमने दो दिन से कुछ भी खाया नहीं है। सीरियसली कुछ आज हमें टाइम मिला गया एक्चुअली में थोड़ा सा खाने के लिए, है ना? और आप चेहरा देख के समझ सकते हैं कि किस लेवल का हमारा चल रहा है ये वाला ट्रिप। नहीं, वो ट्रिप इसलिए चल रहा है कि हमारे साथ एक हमारा जो है ना, यही चमक रहा है। हम लोग तो काले भूत बन चुके हैं। चमक नहीं, ये भी परेशान है इतना ट्रैवल में, ये भी परेशान है। एक्चुअली ये भी परेशान है, इसलिए हमें थोड़ा सा परेशान कर रहा है, और कुछ ये भी तो ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को इतना ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है। हम लोग इसके लिए पूरा कंफर्ट लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, इस ट्रिप पे ये बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है धनुषकोडी से ज्यादा एक्साइटमेंट कन्याकुमारी के लिए था। बोलो। हां बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ना इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं थोड़ा सा भी फ्रेशन अप हो सकूं, मेरा हालत का बैंड बजा हुआ है, लेकिन ये व्यू देख के ना पूरा अंदर से मैं चार्ज्ड अप हो जा रही हूँ। सो कोई नहीं, आज थोड़ा सा शाम तक ऐसा है, फिर एक बार रेडी वेडी हो जाएंगे, शाम को निकलेंगे, बढ़िया सा डिनर विनर करेंगे। सो गाइस, हम लोग सनसेट व्यू पॉइंट पे पहुंच गए, खाने के लिए बहुत कुछ है, तो हम लोग कुछ खाएंगे भी। अभी आरुष के लिए मैं थोड़ा सा मील बना लूं, मैं दलिया बॉईल करके रखी थी, दलिया प्लस सरले प्लस मिल्क प्लस थोड़ा सा हॉर्लिक्स, इतना कुछ मिला के मैं इसको थोड़ा हैवी मील दूंगी। और ये लड़का एकदम पागल हो गया, कुछ खाता पीता नहीं, इतना मैं मेहनत करती हूँ इसके पीछे, वो देखो ना धक्का दे रहा है मुझे देख के। इसका मसाला? हाँ हाँ सब डालिए। बड़ा पी रहे थे इसीलिए वो खो गया था। कुछ नहीं खोया यार, दिमाग मत खराब करो। ठीक है।
रुकना यार, ये मार्केट कैसा लग रहा है? मार्केट बहुत ही हैपनिंग है, खाने पीने की भी जगह सारी अवेलेबल है, चीज़ें भी अवेलेबल है, तो अच्छा लग रहा है। आरुष को मैं बता दूँ, आरुष ऐसे गया, ये बॉटल पकड़ा के ऐसे कर रहा है, अरे ये ओ Yes, go. Focus. Come on, Aris. Come on, you can do it. Come on. Yes. Yes. Go. Go, Aris. Go. Yes. Yo. Here. Hold here. No, not me. Pakad lo. No. You have to do. Come on. Oh. Pakad lo. Ek haath pakad lo, yaar. नो अमित, आप ठीक से पकड़ो उसका पैर, आप पकड़ो ये पकड़ो यार, उसका हाथ अब डिसबैलेंस हो चुका है। आराम से पकड़ो कम सेट अरे जाओ मम्मा के पास जाओ। सो गाइस, हमने डिनर में मंगाया है ये पनीर फ्राइड राइस और चार रोटी और साथ ही साथ आइसक्रीम उधर है जो कि ऑलमोस्ट गल चुका है, ये अपना कुल्फी खा चुके हैं। ये हमारा बालकनी है, इसका व्यू पूरा समुद्र वाला है जो मैंने आपको ऑलरेडी। सो गाइस, आरुष आने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गया और वो अभी सो रहा है, बट हम फुल कोशिश कर रहे हैं कि हम रूम में शोर शराबा करें, उसे परेशान करें ताकि वो उठ ही जाए और फिर उसके बाद हम लोग डिनर करा दें, तो वही कोशिश चल रहा है। तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं कन्याकुमारी में, हम लोग सुबह सनराइज देखेंगे और फिर निकल जाएंगे मैसूर के लिए, यही हमारा प्लान है।